देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। तेल की बढ़ती कीमतों के बाद लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कीमत में गिरावट कब आएगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इन सवालों का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण से जब पूछा गया कि तेल की कीमतों को सरकार कब कम करेगी, तो उन्होंने कहा कि वह नहीं बता पाएंगी कि कब यह एक धर्म संकट है। I won't be able to say when. It's a dharm sankat. You have an excise duty of the center. Then you have a VAT of the states, which are percentage driven. Yeah. We can bicker about who earns more. Even if you want to say, and you are right if you say, the center earns more. Everything that the center earns, 40% of it goes to the states. So what I'm left with is only that portion, although the total amount is what you see. So there's just no hiding the fact that there is revenue there. वित्त मंत्री ने कहा कि यह तथ्य छिपा नहीं है कि इससे केंद्र को राजस्व मिलता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बात से सहमत हूं कि उपभोक्ताओं पर बोझ को कम किया जाना चाहिए। सीतारमण ने एमएसपी की मांग कर रहे लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इसे कानून क्यों नहीं बनाया गया। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान तीनों ने कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में हमने साफ किया है कि सरकार क्या कर सकती है या किस हद तक कर सकती है, इसलिए यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दिशात्मक बदलाव देता है। गौरतलब है कि भाजपा के नेता इन दिनों महंगाई के मुद्दे पर घिरे हुए हैं।